यही वो मंदिर है संगवारी हो, आप मन देख सकत हो, जहाँ सत्यनारायण बाबा जी है जो है पहली बार जो है तपस्या करे रही से। और हमन आए हैं उखर गांव जो डुमर पाली है, रायगढ़ जिला छत्तीसगढ़ में पड़ते, और जो मंदिर देखत हो यहीं से शुरुआत करे रही है वो मन है तपस्या करे के। और गांव वाला मन से हमन जानबो कि आखिर कब वो मन तपस्या करीन है, का कुछ रही से। तो बिल्कुल बने रहो हमारे बीच में, हमारे बीच में गांव के भैया है एक जना, और उखर से हमारा गोट बात करबो जानबो। भैया सबले पहले अपन परिचय बताओ। मैं धनुज जैसा हूँ और बाबा जी के चाचा का लड़का होता हूँ, मैंने की परिवार के अच्छा ने परिवार की होकर ठीक ठीक। तो ये जो मंदिर देखा था ना मन, यही से शुरुआत हो रही बाबा जी तपस्या के। ये जो मंदिर है यही से बाबा जी हर 7 दिन तक उपासना करी से, 7 दिन 7 रात तक। और यहाँ से बिना कुछ खाए पिए 7 दिन तक यहाँ शिव जी के उपासना करी से। और बाद जो है यहाँ से अपन घर की से 1-2 माह तक घर में पढ़ाई करी से, स्कूल की से। और बाद जो है घर से बस्ता वगैरह लेकर के, जो बैग वगैरह लेकर के, बाबा जी हर बोली से कि मैं माँ कि मैं स्कूल जाता हूँ करके। और बाद स्कूल जाता हूँ करके निकली से और सीधा कौसम नारा पहुंच गई से। अच्छा, अंदर जाके देखथन मंदिर कैसन है और का का भगवान है ओला। बिल्कुल, तो गेट ला खोलथन अपन, बिल्कुल देखत रहो संगवारी हो। आप मन ऐसा जो है बाबा जी के जो ये स्थल है ओला शायद ही देखे हो, मैं गारंटी के साथ तो नहीं कहा नहीं देखे हूँ करके, लेकिन बहुत ऐसे जो है कम अवसर मिले हुए जो मैं आप मन देखे हो। और ये देख सकते हो ये मंदिर में जो है, अगर लाइट हो तो लाइट चालू कर दो और आप मन दिखाथन मंदिर में अंदर प्रवेश करथन और भगवान शिव आप मन दिखाई देते हो। यहाँ ये देख सकत हो शिव जी आप मन दिखाई देते हो, ये दर्शन कराथन। और यहाँ जो है बाबा जी है पहली बार तपस्या करे रहीन है। भैया कौन से जगह में उमन कैसे बैठ के या लेट के? यहाँ 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 लेट करके, ऐसी ऐसी छाती के बाहर लेट करके। अच्छा, कौन से जगह से ला? अच्छा था, अपन है एक हमन इतिहास उठन ओकर बाद एकदम बताओ आप कैसे लेटे रही। बाबा जी हर ऐसी लेटे रही से ऐसी मुंह बाबा जी है के सामने मेरी। अच्छा, ऐसी ऐसी लेट करके, ऐसी लेट करके ऐसी 7 दिन तक उपासना करी से बाबा जी। अच्छा, और 7 दिन 7 रात तक यहाँ रही से, ना बिना कुछ खाए ना पिए। हमन घर के मनाए रहे यहाँ 7 दिन रात तक, हम जोगे हन उन्होंने देखभाल करे हन 7 दिन तक। ना तो उसल पुसल कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस सिर्फ शिव जी की आराधना करी है बाबा जी। जी, तो बिल्कुल आप मन देख सकते हो संगवारी हो, अब तक के बहुत बड़े खबर है। आप मन लहमन दिखा था घर बैठे कोसम नारा में तपस्या में लीन है सत्यनारायण बाबा जी। और जो मन हम शुरुआती अपन दिन के जिसे बात कर वो 7 दिन जो तपस्या करे रहीन है, यही वो जगह है, यही शिव मंदिर है, वहाँ उमन तपस्या करे रही से। और भैया बता रहीन है कि यहाँ जो है उमन एक हफ्ता जो है तपस्या करे के बाद अन्न जल त्याग के, ओकर बाद फिर स्कूल गई से, फिर अपन काम भूतम लग गई से, ओकर बाद उमन बाद में फिर कोसम नारा में जाके और बैठीन है। और लगातार आज भी 24 साल हो गए अभी तपस्या में लीन है जी। और बाहर जाता ना आप मतलब थोड़ा और जानकारी दी भैया, तो एक बार आप मन अच्छा से देख लो मंदिर ला बढ़िया, यहाँ मंदिर जो है अच्छा है। और कब के जो है मंदिर है, कतेक साल पहले के मंदिर वाला भी हमन जाने प्रयास करबो। और नंदी महाराज घलो के आगू में देख सकत हो आप मन है, ये नंदी महाराज आगू में दिखाई देते हो आप मन ला। और भैया सन गोर बात करबो, और ये जो है आगू में जो है भैरव बाबा घलो के ओला भी आप मन ला दिखाथन दर्शन कराथन आप मन ला, पूरा घर बैठे सब जानकारी मिली ये देख सकत हो। ये जो है भैरव बाबा हरे आगू में देख सकत हो, दोनों तरफ भैरव बाबा है और तुलसी चौरा है आप मन देख सकत हो। तो और अच्छे से गोड़ बात करबो, टंकी घलो के आगू में आप मन देख सकत हो। और अभी जिसे बात करबो ये मंदिर के बारे में, तो मंदिर है जो है अच्छा मंदिर कब के बने? अच्छा मंदिर है तो मैं भी नहीं जाना था, काबर की मैं बहुत छोटे रहे जब बाबा जी यहाँ के यहाँ बैठे रही से, एकदम बहुत बचपना रही मोर। और ओकर से बहुत दिन पहले है मंदिर बन गई रही से। अच्छा। जो ना हमारे गांव के पूर्वज मन बना रही है ना गाँव दिए गाँव घर के मन, तो मोला भी इतना मालूम नहीं है कब के है मंदिर रही से जैसे रही से। बाकी मैं इतना मोला याद है कि यहाँ बाबा जी आकर के उपासना करी से, और उपासना करे के बाद में 7 दिन यहाँ कुछ ना बिना अन्न जल पिए खाए सब चीज लेकर के 7 दिन तक शिव के आराधना में पूरा लीन रही से बाबा जी। अच्छा, और यहाँ से जब उठी गिस तो ओला भी मोला पता है, बाकी ये मंदिर है कब के दिला मोला नहीं मालूम। अच्छा ठीक।
आगे वो आके देखन मंदिर के आगो में तालाब भी है, तालाब है और मंदिर है जो है यहाँ है पास में। बहुत गहरा है का भैया तालाब? तालाब गहरा है। अच्छा तालाब गहरा है कहा थे। तालाब ला एक बार अच्छा सा अपन देख लो संगवारी हो। यही जो है जगह में जब तपस्या करे रही इन्हें बाबा जी है शुरुआती के दिनों में, तो तालाब खड़ो खरी से पहली से भैया। अच्छा ये बताओ आप मन है बाबा जी जब यहाँ 7 दिन तक रहीन है तो वो बीच में गांव वाला मन है मतलब उठाए के या घर वाला मन है उठाए के चल बेटा खाना खा ले बे काबर इसे करा था इसे करके बोली स्टोली गांव घर के मन भी सब कोई बोली हमन भी अपन परिवार मन आए रही है। मैं तो छोटा सा बच्चा रहे मम्मी पापा चाचा चाची बड़े मम्मी दादाजी मैं सब कोई आ रही है। बाकी बाबा जी है ना तो उठीस ना तो ककरो बात सुनीस वो बस अपन ध्यान सिर्फ और सिर्फ शिव जी के समर्पित कर दीस बोलीस कि मैं जब बोल हाँ तब मोला तुमन यहाँ से लेकर जाइया नहीं तो मैं अभी नहीं जाऊँ बोलीस। हम 7 दिन तक यहाँ खुद रात के दिन मान सवेरे कतको टाइम आके यहाँ बैठे रहन एक परिवार के एक सदस्य या दो सदस्य कम से कम आके यहाँ घर के मन एक या दो जने बैठा जरूर दिन में रहे चाहे रात में रहे ओला हमन भी देखन कि का करते कैसे करते 7 दिन तक का है कैसे है करके। और मंदिर के खिलाफ थोड़ा सा साहू के है अभी हुई से वो टाइम उतने नहीं रिस खुल्ला रही से थोड़ा सा तो हमन भी आके करा रहे हैं। अच्छा मंदिर के जीर्णोद्धार हुआ है? हाँ अभी 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 हुई से जस्ट अभी 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 काल में हुई से। अच्छा मंदिर वही मन बनवा है का परिवार के? नहीं वो तो परिवार अब पता नहीं कौन है गाँव के पूर्वज में बने हैं कौन कैसे तो नहीं जाना था ना मन अब उतना मोला भी नॉलेज नहीं है। आप पन उखले बड़े हरो की छोटे हरो? मैं छोटे हूँ मैं कम से कम 10-12 साल के छोटे हूँ। 10-12 साल के? अच्छा वो हम मोला ले लेके नहाएगी से तालाब में खेलेगी से कूदेगी से। अच्छा मोला लेके नहाएगी से। ठीक तो जैसे बात करबो बाबा जी के कुछ संगी संगवारी मन घलो कोई उखर मन के का कहना है उखर मन के बारे में का कुछ भी है ना जिन बाबा जी के साथ में पढ़ाई करी है बाबा जी के साथ में खेलिन कूदिन है आइन गिन है उमन भी है आप मन उमन से भी कुछ चर्चा करना चाहते हो तो कर सकते हो। बचपन कैसे गुजरे है बाबा जी? बाबा जी के बचपन एकदम शांत स्वभाव के रही है और एकदम मतलब दोस्ती यारी तो रही जरूर खेल कूद में उतना ध्यान नहीं रहे उनके बस अपने आप में वो खोए रहे। अच्छा पढ़ाई में कैसे रही? पढ़ाई में बढ़िया रही बाबा जी आप मन जाके वो जो पढ़ी है टीचर से आप मतलब मैं जाकर के इंटरव्यू भी दे सकता हूँ अपन जाकर कुछ पूछताछ भी कर सकता हूँ जो टीचर है पढ़े से चला आप मन। अच्छा ठीक तो देखिए संगवारी हो आप मन हमन हा दिखा है ना आप मन ला कि बाबा जी जो है सबले पहले जो 7 दिन तक उमन तपस्या करे रही है कौन सा मंदिर में कौन जगह हम करे रही से आप मन ला पूरा दिखा हन। और मैं अभी खड़े हूँ डूमरपाली गाँव के ये तालाब स्कूल पारा बस्ती पारा कथे भैया तालाब के पास मंदिर है वहीं से शुरुआत करी रही से और बाद में कोसम नारा में जाके अब तपस्या करा थे। तो जीव ला भैया मना यहीं काटी से कि कोसम नारा काटी? यहाँ तो सब चीज़ बढ़िया रही से बातचीत यहाँ से उठ करके बातचीत करी है सब चीज़ें बोली है और पढ़ाई भी करेगी नहीं और बाद में जब 1-2 माह हुई से और बाद में यहाँ से जा करके कोसम नारा में अपन जीव ला जा करके शिव जी में समर्पित कर दी। अच्छा तो यहाँ तपस्या जब करत रही है तो घर वाला माला कुछ बताई से कि मैं अब घर ला छोड़ के होती जात हूँ? नहीं ऐसा कुछ नहीं बोले रही नोमन अपन उन कुछ नहीं बोले रही ऐसा। अच्छा ओकर बस शिव जी कृपया वाला बुला रही है साक्षात। अच्छा यहाँ जब करत रही जो तपस्या ओकर बाद घर वाला मन सन गाँव वाला मन सन ज्यादा बोलत रही कि नहीं बोलत रही से? हाँ बातचीत सब नॉर्मली करत रही है जैसे पहले रही वैसे रहत रही है बस थोड़ा सा गुमसुम रहे यहाँ से पूजा पाठ करके जाए के बाद में यहाँ से उपासना करे के बाद में थोड़ा सा उनके मन में विचलित रही से मन में माने सोचे हो थोड़ा सा सोचे हो हाँ ओकर बाद जो है ना कुछ दिन बाद में गाँव के मन जैसे कुछ कुछ वो मजाक करें तो पूछे भी वाला कोई कोई लेकिन वो कुछ नहीं बोली कोई अभी तक ले कुछ। अच्छा। और यहाँ से जाकर के सीधा वहाँ पे डिगे नहीं। चलो ठीक बहुत बहुत धन्यवाद भैया अपन जानकारी दे हो और गोड़ बात करे खाली तो संगवारी हो आप ये वीडियो ले यही आखिरी करथन कैसे लगी समर ये वीडियो और बाबा जी के जो है तप करत रही पहली तपस्या करत रही जगह दिखा हन तो कैसे लगी अपन जरूर कमेंट करके बताओ और अच्छा लगी सो तो ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करो लाइक करो कमेंट करो मिलता नवा वीडियो के संग में देखा रहो आपके अपन चैनल मोर मितान। जय जोहर जय छत्तीसगढ़ जय सत्यनारायण बाबा।